22 जुलाई से सावन मास के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने भी एक फरमान जारी किया है, लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फरमान को लेकर घमासान छिड़ गया है। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं उन्हें अपनी दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले बहुत से मुस्लिम दुकानदारों ने बोर्ड लगाने भी शुरू कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है, ताकि किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो जाए और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसलिए ये निर्देश दिया गया है कि कांवड़ रूट पर जितने भी खान पान की दुकानें हैं, जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो सभी अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का बोर्ड जरूर लगा लें। उधर उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा ही एक आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को रेहड़ी पटरी वालों का ब्यौरा जुटाकर उन्हें पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है और दुकानों और ठेलों पर उसे अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का कहा गया है। हिंदू संगठन जहां उत्तराखंड सरकार और मुजफ्फरनगर पुलिस के इस निर्देश का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले इस पर आपत्ति जता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव और जमीयत उलेमाए हिंद ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी इस फरमान पर सवाल उठाए हैं। किसने क्या कहा यह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मुजफ्फरनगर की कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूँ। पुलिस के आदेश के बाद कांवड़ रूट पर दुकानदारों ने अपने ठेलों के नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। इसमें कई लोग पहले से ही अपना नाम लिख कर ही दुकानदारी कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रशासन के आदेश के बाद ही अपने ठेलों पर अपनी दुकानों पर नाम लिखवाए हैं। मुजफ्फरनगर जिले में करीब 200 किलोमीटर कांवड़ मार्ग है और इस रूट पर लगने वाले सभी ठेलों और रेहड़ी वालों को इसी तरह से अपने नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाना होगा, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। यानी कि ये फरमान ऐसा नहीं है किसी एक के लिए है, बल्कि ये सभी के लिए है, चाहे किसी की भी रेहड़ी हो, किसी की भी दुकान हो। अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह कहा है कि कांवड़िए जिस रूट से जाते हैं वहां रास्ते में अक्सर ठेले और ढाबे पर नाम नहीं लिखा होता और इसी वजह से उन्हें कभी कभी कंफ्यूजन होता है और फिर बेवजह का विवाद खड़ा हो जाता है। ये विवाद ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने कांवड़ रूट पर खान पान की दुकान लगाने वालों को दुकान के बाहर नाम लिखने का निर्देश जारी किया है। सावन मास का ये पावन पर्व है, 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य बिंदु माना जाता है, क्योंकि हजारों की तादाद में शिव भक्त हरिद्वार से लेकर हर की पौड़ी से गंगा जल उठाते हैं और फिर ये कांवड़िए इसी रास्ते से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आते हैं, मुजफ्फरनगर होते हुए फिर अपने अपने गंतव्य की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में रास्ते में जो ठेले आते हैं, जो ढाबे पड़ते हैं, जो दुकानें आती हैं, उन पर नाम लिखा होने से उन्हें आसानी हो जाएगी। एक फरमान जारी किया गया है, जैसा आपने बोर्ड भी लगा रखा है जी, किस तरह का बोर्ड है? नहीं तो प्रशासन बताएगा जी, प्रशासन बताएगा इसके बारे में। हम क्या बता सकते, उन्होंने आदेश करा, हमने लगा दिया। क्या क्या लगा रखा है? क्या नाम लिखना है इस पर, दुकानदार को, प्रोपराइटर को जी। क्या काम करते हैं? पान का। अच्छा, कैसे पुरानी दुकान है ये? 32-33 साल हो गए। तो क्या पहली बार ऐसा हुआ जब नाम? पहली बार ही हुआ। तो क्या इसका कोई सेल पर फर्क पड़ेगा? जो देखते हैं अब जाके, जैसे जो कांवड़ यात्री आएंगे तो कांवड़ यात्री तो फिर हिंदू से ही लेंगे, बस अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। सावे जी, फलों की ठेली कब से लगाते हो? ये 3 साल हो गए। अच्छा, इस पे तुमने एक प्लेट लगाई है, किस तरह की प्लेट है वो? ऐसी है, फाइबर की। अपना नाम लिखा है? किसने कहा ये? पुलिस वाला। नाम लिखो अपनी ठेली पे। प्रशासन ने आदेश सभी के लिए जारी किया है, हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। कांवड़ रूट पर आने वाले सभी दुकानदारों को अपना नाम अपनी दुकान के सामने लिखवाना होगा। मुसलमान दुकानदार प्रशासन के निर्देश के बाद खुद ही अपने नाम का बोर्ड लगा रहे हैं। प्रशासन ने भी एक आदेश जारी कराया आज,
कि जो भी कावड़ मार्ग पर जो भी रेडी ठेले वाले हैं वो अपने नाम से पोस्टर बैनर लगाए। जी जी, तो उसे कितना सही मानते हैं आप? वो तो सही है, अपना नाम होना चाहिए, अपनी जात बिरादरी और अपनी उम्र, अपना नाम निहटान चाहिए आदमी को। तो क्या इससे कोई शहर पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, रोज रोटी देने वाला ऊपर बैठा, हर एक इंसान को, हर एक जानदार चीज को रोजी रोटी वो देता है, है जी, मानोगे इस बात को? नहीं, उसको देना, उसका देना काम है और हमारा इस बहाने से लेना काम, बस सही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता लगना चाहिए कावड़ जो है कोई वैसा कैसा आदमी ना हुआ, जैसे कि क्योंकि भाई किससे लेना है जरूरी है कि हिंदू से, जो तो जहाँ जिसके अच्छा लगेगा वहां से, क्या पता मैं बेकार बेच रहा दूसरा अच्छा बेच रहा है, तो इसलिए उससे लेना पसंद करेगा वो, तो रेट में भी कम डाउन भी ज्यादा का भी बत्ती का हो सके। कावड़ यात्रा को लेकर जारी मुजफ्फरनगर प्रशासन के निर्देश पर सियासत शुरू हुई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के आधार पर अब हर खाने वाली दुकान ठेले के मालिक को अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा, जिससे कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से सामान न खरीद ले। ओवैसी ने इस आदेश की तुलना हिटलर की जर्मनी से कर दी। जी हाँ, तो वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इस आदेश को अवैध कहा है, संविधान के खिलाफ कहा है। जो जो रिएक्शन आए हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या लिखा। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, इस तरीके के आदेश को दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट कहा जाता है। जुडेन यानी जुडेज, आप जानते हैं कि जिस तरीके से यहूदियों का बॉयकॉट किया था जर्मनी में हिटलर के काल में, उससे ठीक इससे कनेक्ट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जमीयत उलेमाए हिंद की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। जमीयत ने कहा, ये आदेश समाज को बांटने वाला है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा की बात कर लें तो उन्होंने तो इस आदेश को पूरी तरीके से अवैध और संविधान विरोधी कहा है। अब देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं, वो दोनों पहलू आपको बताऊंगी। पहले आप सुनिए विरोध के स्वर। ये अजीब सी बात है, ना ये अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है। बांटना कहीं भी अच्छा नहीं है। अब कावड़ चलती है, कावड़ के मौके पर हजारों हजार मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, कहीं कहीं ना कहीं वो शिविर लगाने के काम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो क्या करेंगे वो, क्या अपनी पहचान कैसे जाहिर करेंगे, क्या उन्हें पहचान जाहिर करनी पड़ेगी? तो ये अजीब सी बात है। और किन किन चीजों को बांटोगे आप देश में, किस किस चीज का नामकरण करेंगे, किस किस चीज को आप जो है उसको जाहिर करोगे कि ये हिंदू की है, ये मुसलमान की है। मजहब के नाम पर देश को बांटना, देश और समाज के अंदर दूरी पैदा करना, ये देश और समाज के लिए हानिकारक है। हम इसका विरोध करते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू है उसका क्या अखिलेश, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है? ऐसे में प्रशासन के पीछे शासन की मंशा क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या लिखा, एक बार मैं जरा तफसील से वापस आपको बता दूं, जिनका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है या फिर फत्ते हैं, क्या ये नाम लिखने से दुकान पर चलेगा, उनका क्या होगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे शासन तक की मंशा क्या है इसकी जांच करवाए, उचित दंडात्मक कार्रवाई की तक उन्होंने मांग कर ली। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रशासन के फैसले पर मुजफ्फरनगर के ढाबे मालिकों का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता शोएब रजा ने, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त खतौली में मौजूद हूँ और ये ढाबा है शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा, जिसके ऑनर है विश्वजीत चौधरी। हालांकि हमारे साथ अभी दूसरे जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद है। इस ढाबे में यहाँ पर इनाम नाम के एक मैनेजर थे, जो अभी चूंकि कावड़ यात्रा अब शुरुआत हो चुकी है और प्रशासन के आदेश के बाद या प्रशासन की जो बातें हैं उसके बाद इनाम छुट्टी पर है और दूसरे लोग अब जिम्मेदारी संभाल रहे। सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, जी यहाँ इनाम मैनेजर थे जो ढाबा चलाते,
इनाम जो मैनेजर था उसके बाद में मैं आ चुका, वो कावड़ प्रशासन की वजह से छुट्टी चले गए। क्या पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया था, क्या फॉलो कर? कुछ नहीं कहा गया, और वो राजू अलाव जी बोले हम संभालेंगे अपना, और वो संभाल रहे हैं, मैं उसकी छुट्टी कर दी गई है, अब मैं बैठ रहा हूँ। कावड़ यात्रा के दौरान? कावड़ यात्रा के दौरान की वजह से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई पुलिस की तरफ से कुछ तो बात कही गई होगी कि भाई कावड़ यात्रा है तो थोड़ा ध्यान रखिए? पुलिस की तरफ से ये बात कही गई कि मोमडन नहीं बैठेगा ना मोमडन काम करेगा, इसलिए भाई नाम चले गए 15 दिन पहले, छोड़ो आप राजू भाई बोले हमारा उड़ाले हम चला रहे हैं। ओनर इसके राजू अहलावत जी? जी जी चौधरी लड़का है उनका, बेटा है। अच्छा, राजू अहलावत जी का नेता? जी जी बीजेपी के नेता है। अच्छा, तो ये जो बात है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई कावड़ यात्रा के दौरान अगर इस तरह से चीज है कि भाई मुस्लिम कर्मचारी नहीं रहेंगे, इस सबसे क्या मतलब अगर वो रहते तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन की बात है वो सहयोग ना कर पाते हैं क्या? प्रशासन का सहयोग करने की वजह से हमने ऐसा किया कि मोमडन ना रहे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मोमडन के रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं हम लोग। कितने सालों से ढाबा चल रहा है तकरीबन? ये 3-4 साल से चल रहा है। 3-4 साल से कभी इस तरह से पहले नहीं हुआ था? ऐसे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई मोमडन की तरफ से, ऐसे कि वो होगा बराबर चलते आ रहे, कई साल से चलता आ रहा है ऐसे रोड। कितने सालों से जुड़े थे इनाम में? 6-7 साल से जुड़े हुए हैं। भरोसेमंद आदमी? भरोसेमंद है, ठीक है आदमी। अच्छा, लेकिन ये फैसला आपको क्या लगता है, मतलब सही है प्रशासन का या क्या? प्रशासन का सही है, अपने हिसाब से जैसे प्रशासन कर रहा है उसका हम सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रास्ते में, कोई कांवड़ियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या परेशानी आ सकती थी आपको, क्या कुछ लगता है? प्रशासन को दिक्कत आई है इसलिए वो चले गए, हमने संभाल लिया, राजू अलाव जी बोले मेरे अंडर में थे तो मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूँ, राजू अलाव जी के जो प्रशासन चाह रहे हैं वो उनके लिए हम तैयार हैं, साथ दे रहे हैं। सर आपका? लोकेश भारती। ढाबे का नाम हम देख रहे हैं कि साक्षी टूरिस्ट ढाबा है, और अक्षय प्रताप सिंह लड़का प्रोपराइटर है। ये तो परंपरागत रूट है कावड़ यात्रा का, यही से कावड़ यात्रा जी हाँ। तो क्या पुलिस ने कहा आप लोगों को, क्या चीज है? यही क्या नाम है, ये कहा गया था भाई इधर जो मोमडन है वो नहीं रहेगा, और कार्य वर्कर और यदि रखोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या मतलब इसमें इस चीज के बारे में क्या था? इस चीज के बारे में तो नहीं बता सकते, कह नहीं सकते मतलब। तो है आपके पास कुछ कर्मचारी मुस्लिम? हाँ, मेरे पास 3 थे जी, एक तो मैनेजर साहब थे, एक मैनेजर और 2 लेबर वाले थे। तो क्या उनको फिर हटा दिया? हटाया गया, छुट्टी पे भेज दिया। अच्छा, हाँ जी। अभी जब तक कावड़ यात्रा है तब तक आपके पास काम नहीं करेंगे? देखो नहीं रख सकते। तब क्या इसमें मतलब उन्होंने क्या बताया कि क्यों नहीं रख सकते आप लोग? ये नहीं कर सकते जी, देखो वो तो उन्हें प्रशासन को बताया, पुलिस कहने आई थी जी हाँ, एक सभी वर्करों की लिस्ट लिखवाई उन्होंने, नाम बताओ कौन कौन आप? हाँ, नाम और आधार कार्ड ये लगवाने का। कितने सालों से आप ये ढाबा चला रहे हैं सर? मैं तो ये पिछले सीजन से लिया, मतलब अपना आप था, मैं मालिक हूँ खुद। अच्छा, जमीन किसकी आपकी है? हाँ। अच्छा, गांव आपका है? हाँ जी, ये सरदन गांव के। जमीयत सवाल उठा रही है, असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव का तो सवाल उठाना लाजमी था, वो तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, इनका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है, फत्ते है, उनके नाम का क्या पता चलेगा, और इस नाम से वाकई में पता नहीं चलता कि इनका धर्म क्या है, इसका भी जवाब आ गया। मुजफ्फरनगर में एक दुकानदार ने अपनी दुकान पर अपने बेटे मोनू का नाम लिखवा रखा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस नाम को हटाने के लिए कह दिया। पुलिस ने कहा कि वो दुकान पर अपना नाम इमरान लिखवाएं। वो आया नु कह रहे क्या के वे इमरान के नाम से लगाओ ये फोन, इसका नाम के लगाओ। हाँ, इमरान के यो कटवा दो, इसका जो है वो अपने नाम से। हाँ जी, किस नाम से आपका? ये मेरे लड़के के नाम से जी, मोनू जूस सेंटर। अब मैं कह रहे तो अपने नाम से लगाओ। मैंने जी सर अपने नाम से लगा लेंगे, बताओ इमरान के नाम से। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आपने अपने नाम से लगाया जी, तो कावड़ यात्रा में इस तरह से आपकी सेल है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब नहीं तो पता नहीं जी कितने बिके कितने नहीं। तो नहीं कि कावड़ यात्री पहले आते थे जी आपकी दुकान पे जी? हाँ, 8 साल लगा हुए।
दरअसल हिंदू पक्ष की अपनी चिंता है। हिंदू पक्ष का कहना यह है, या यूं कहिए कि यह आरोप है कि कुछ मुस्लिम अपनी पहचान छिपाकर कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकान चलाते हैं और दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं और इस वजह से उनकी सेल तो बढ़ती है लेकिन कांवड़िए थोड़ी गलत फहमी में रहते हैं। कांवड़िए किसी भी होटल या ढाबे पर या ठेले पर खाना खा लेते हैं लेकिन अब जब दुकानों पर नाम लिखा रहेगा तो उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई विवाद भी नहीं होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है तब खूब सारे विवाद होते हैं, झड़प भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। अब प्रशासन हो सकता है इस वजह से ये कदम उठा रही है कि इस तरह के हंगामों से बचा जा सके। अब जिसका नाम शिव नाम से मान लीजिए ढाबा है और चलाने वाला भी कोई मानस ही है यानी कोई हिंदू पक्ष है तो कांवड़िए उनके पास चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा पक्ष है उसका भी कहना ठीक है कि ऐसे तो धीरे धीरे उनकी सेल कम हो जाएगी और ये समाज में एक तरीके का विवाद पैदा करेगा। कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा तो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश कर दिया अब सभी होटल ढाबों पर चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं जो कावड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं। वही मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं तो योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बात की हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने। उन्होंने इस फैसले को लेकर क्या कहा है ये भी आप सुनिए। सावन का महीना आने वाला है तो कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलेगी तो मुजफ्फरनगर में वहाँ पुलिस ने आदेश दिया है कि जितने दुकान वाले ठेले वाले सब अपनी दुकान के बाहर ठेले के बाहर अपना नाम लिखें। ये स्वाभाविक है, मतलब ठेला दुकान जिसका है सो तो होना चाहिए कि ठेला ढाबा किसका है, तो पुलिस को इसमें सुविधा भी मिलेगी। कांवड़ यात्रियों का एक यात्रा निकलता है और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो इसके लिए प्रशासन सचेत भी रहता है और कोई यात्रा में बाधा भी ना हो इसी का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे बनने के बाद पहली बार सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। स्वयं आदरणीय योगी जी जाकर स्वयं अपने हाथ से पुष्पों की वर्षा करते हैं कांवड़ यात्रियों का, इसलिए कांवड़ यात्रियों का भी एन किसी त्यौहार पर चाहे हिंदू चाहे किसी के त्यौहार पर भी किसी प्रकार का घटना नहीं। तो सपा आप देखती थी ईद बकरीद पर 24 घंटा लाइट और नवरात्र पर एक घंटा में लाइट दो घंटा लाइट नहीं, तो अपनी सरकार आने के बाद सभी आदरणीय योगी जी के बन गए सभी लोगों को लाइट मिले सभी के त्यौहार सुविधाजनक निकले और शांति से हो जाए कोई ऐसा नहीं दुर्भावना रहता है तो सभी कह रहे कि भाई जो ढाबा है जो ठेलिया है भोजन क्या है कैसा है तो किसी प्रकार के यात्री को नुकसान ना हो क्योंकि बाहर के भी यात्री बहुत आते हैं यूपी के अलावा भी बाहर राज्यों से बहुत यात्री आते हैं और बहुत स्पीड में हरिद्वार जाते हैं तो क्योंकि दौड़ते हुए जाते हैं ऐसे क्रम वाइज दौड़ते हुए रेस करते हुए पानी लेकर फिर भोलेनाथ को मतलब अपने जनपद में वो लोग अभिषेक करते हैं तो इस कठिनाइयों को देखते हुए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन को होगा कि ये सब भी पूरा व्यवस्था वहाँ कर ले। आपने समाजवादी पार्टी की बात की तो अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि कोर्ट इसको देखे ये जो फैसला है कि दुकान के बाहर नाम लिखना होगा। उनका कहना है कि इससे जो सामाजिक जो भावनाएं हैं उनमें ठेस पहुंचती है तो आपस में मनमुटाव होगा दूरियां बढ़ेंगी। ये मतलब सामाजिक भावना इसमें कहां से आएगा? जब आप ठेले में नाम लिख के सामान आदमी नाम देख के सामान खरीदेगा तो ठेला ऐसा तो है नहीं, सभी की दुकान पर सामान लोग खरीदते हैं, सब लोग अपना नाम लिखें, आप चलेंगे जितने देखेंगे प्रोप्राइटर नाम लिखा रहता है हजरतगंज से लेकर हजरतगंज कहीं भी लोग अपना ठेलों में नहीं लिखा रहता। ठेलों में भी कभी कभी आप देखेंगे ठेलों में भी लिखे रहते हैं कि मिश्रा चाट भंडार पाल चाट भंडार सब लिखे रहते हैं ये मोहम्मद ये सब लिखे रहते हैं आप देखेंगे ठेला पर भी लिखते हैं। ये तो राज्य के अंदर हिंदू चाहे मुसलमान हो सभी के दुकान पर लोग जाते हैं वो भी सभी की दुकान पर आते हैं, ये तो मान लीजिए लोग बना देते हैं कोई ऐसा दुर्भावना नहीं है। कुल मिलाकर आपका दुकान सेफ रहे ये मतलब एक जानकारी रहे कि ये दुकान है, कभी कोई कुछ हो तो पुलिस एक बार उसके नॉलेज में रहना चाहिए कि इस रोड पर कितने दुकान हैं और किसका किसका मालिक है,
तो कम से कम उस जानकारी रहेगा तो दुकान में कोई एक्स्ट्रा ना घुस जाए, कोई दूसरा ना आ जाए वहाँ पर किसी प्रकार का बात करते, इसलिए होगा, कोई ऐसा दुर्भावना ये सब नहीं रहता है। सभी के साथ सबका साथ सबका विकास, आदरणीय मोदी जी योगी जी के शासन में सबका साथ सबका विकास, सभी को पक्का मकान, सभी को आवास, सभी को सड़कें, सभी को बिजली, सभी को पानी, किसी को भेदभाव नहीं होता है। वैसे भी सवाल इस पे उठा रहे, उनका कहना है कि तो हिटलर की तरह फैसला हो गया, ये नाम लिखकर सामान बेचिए जिससे पता चले कौन हिंदू की दुकान कौन मुस्लिम की दुकान। क्या अपने वो आवास पर नहीं लिखे अपना नाम? आप जाइए उनकी आवास पर, हैदराबाद में लिखा होगा, लखनऊ में लिखा होगा, वो तो सभी नाम लिखते हैं। बहुत धन्यवाद। अब देखिए, इसका एक पहलू ये है कि माँ बाप जब हमें नाम देते हैं तो उस नाम के साथ हमारी पहचान जुड़ी होती है, पहचान के साथ हमारी इज्जत जुड़ी होती है। तो अपना नाम बताने में, अपनी पहचान छिपाने में आखिर आपत्ति क्या है? नाम बताइए। लेकिन इसमें सियासत हो रही है। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चाय की दुकान लगाने वाले मोहम्मद अकरम कह रहे हैं कि पुलिस बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिख दिया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर हाईवे पर मौजूद है। कावड़ का ये परंपरागत रूट है, मुजफ्फरनगर खतौली का जो रूट है, और यहाँ एक चाय की दुकान है जिस पर कुछ दिनों पहले तक ये सुपर टी स्टॉल लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस के जो निर्देश है, जो लगातार खबरें आई है, वो सामने आने के बाद यहाँ पर लिख दिया गया मोहम्मद अकरम सनोफ मोहम्मद नयूम टी। यानी कि पुलिस की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि आप खुलासा कीजिए अपने नाम का, और उसके बाद ये बोर्ड या ये जो बैनर है लगाया गया है बाकायदा नाम के साथ। और अकरम साहब जो चाय की इस दुकान के मालिक है हमारे साथ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नावला, गांव के पास के। नावला। कब से यहाँ ये आप स्टॉल या चाय की दुकान लगाते हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। कब आई थी पुलिस और क्या आपको कहा? 5-6 दिन हुए, बार बार परेशान कर रहे थे, बोर्ड लगाओ बोर्ड लगाओ। इससे मगा जी फर्क पड़ेगा इससे? हाँ, मगर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। कहने लगे आप लगा के रखो, कोई बात नहीं, मगर जी चलो लगा दिया हमने। तो आपने पहले ये सुपर टी स्टॉल नाम लिखा हुआ था? हाँ जी हाँ। तो आप कोई सिर्फ चाय ही बेचते हैं, कोई खाना वगैरह? कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ना, ये खाना कुछ नहीं है, बस कन्फेक्शनरी का सामान बेचते हैं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। इससे लगता है आपको कि रोजगार में फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो वो तो अपना अपना माहौल है, सभी तरह के कावड़ी आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ भी सकता है कि भाई हिंदू मुस्लिम का जैसा माहौल है, थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, कोई जरूरी नहीं है। तो पिछले आप कई सालों से यहाँ चाय की दुकान लगा रहे हैं? 2 साल से। पिछले साल किसी ने कुछ नहीं कहा था? ना ना, पिछले साल किसी ने, ये कोई हमारी ये थोड़े कावड़ कावड़ में लगी, हमारी तो कंटिन्यू चलती है, पूरे साल लगी। हाँ जी। तो ये कहा पुलिस ने कि आप कावड़ यात्रा के दौरान लगाए, उसके बाद उतार दीजिएगा? उन्होंने ये कहा कि फिलहाल भाई कावड़ में लगा के रखो, हमारे भी ऊपर से प्रेशर है, उसके बाद उतार के रख लेना, अगले साल फिर तुम्हारे काम आएगा। मगर चलो ठीक है, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही कर लेंगे हम। तो ये पूछा नहीं भाई, चाय की दुकान में क्या कुछ और भी आप बेचते हैं क्या? चाय, कोल्ड ड्रिंक, यही है सब? नहीं भाई, यही पूछा है कि भाई क्या बेचते हो? मगर जी यही है बस, जो आपके सामने लग रहा है, पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट, भाई यही बेचते हैं। तो आस पास भी सबको बोला गया है? पूरे होटल, जितने भी होटल है सब पे सबको बोला गया? हाँ, सबको बोला गया, सबने अब नाम लगा दिया है। देखिए, ये इसी तरह से दूसरी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेडी पटरी पर भी ये जो फरमान है पुलिस की तरफ से या निर्देश है वो दिए गए हैं, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पर जो बैनर है या नाम के साथ जो भी आपको अपनी जानकारी देनी है बाकायदा, उसको यहाँ पर लगाया गया है। ये चाय की दुकान है और चाय, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, ये तमाम चीजें अकरम बेचते हैं। तो अब उन्हें अपने नाम का खुलासा करना पड़ा है पुलिस के निर्देश के बाद। उससे पहले यहाँ पर सुपर टी स्टॉल लिखा हुआ है और अकरम को यह अंदेशा है कि इससे कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।